हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फेमिनिज्म। इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 एंड स्टडिंग इन बीबीएमके यूनिवर्सिटी गोविंदपुर धनबाद, देन दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म एंड द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we will discuss the definition of feminism. So, what is feminism? Feminism, in simple words, is the belief in and advocacy for equal rights and opportunities for all genders, with a particular focus on addressing historical and present-day inequalities faced by women. Feminism ko agar hum log simple shabdon mein samjhe, to ye ek belief hai, ek vichardhara hai, जो एडवोकेसी करता है, वकालत करता है इक्वल राइट्स के लिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, समान अधिकार और समान अवसर के वकालत करता है फॉर ऑल जेंडर्स, सभी जेंडर्स के लिए, विद अ पार्टिकुलर फोकस ऑन एड्रेसिंग हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डे इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय वुमेन। और इनका जो फोकस होता है, फेमिनिज्म का जो फोकस होता है, वो हिस्टोरिकल और प्रेजेंट डे इनइक्वालिटीज़ पर होता है जो कि महिलाओं को फेस करना पड़ता है। ऐतिहासिक और वर्तमान में महिलाओं को जिन असमानताओं को फेस करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों से फेमिनिज्म डील करती है। अब हम लोग देखेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। देयर आर फोर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ईच रिप्रेजेंटेटिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ फोकस एंड गोल्स। फेमिनिज्म के चार वेव्स आए थे और इन चारों वेव्स जो हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स से डील करते हैं और इनका जो फोकस है और गोल है वो अलग अलग है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब कि फर्स्ट वेव जो फेमिनिज्म का था वो 19th सेंचुरी में आया, लेट 19th सेंचुरी में आया और ये अर्ली 20th सेंचुरी तक रहा था। द फर्स्ट वेव फोकस्ड ऑन वुमेन्स स्ट्रगल, वुमेन्स सफरेज एंड लीगल राइट्स, पर्टिकुलरली द राइट टू वोट। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का जो मेन फोकस था वो था वुमेन सफरेज पर, महिलाओं को भी मताधिकार होना चाहिए, मत देने का अधिकार होना चाहिए और लीगल राइट्स भी होने चाहिए, महिलाओं के पास कानूनी अधिकार भी होने चाहिए, स्पेशली राइट टू वोट। स्पेशली अगर देखा जाए तो महिलाओं के पास भी वोट करने का हक होना चाहिए। सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो कि 1960s में आया और 1980s में एंड हुआ। दिस वेव एड्रेस्ड ब्रॉडर इश्यूज इंक्लूडिंग जेंडर रोल्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल लिबरेशन। अगर हम लोग बात करें सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का, तो सेकेंड वेव आया था 1960s में, 1960 के दशक में आया और यह चला था 1980 के दशक तक। इसमें फेमिनिज्म के ब्रॉडर इश्यूज को डील किया गया था जिसमें शामिल है जेंडर रोल्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल लिबरेशन। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो हमारा जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो आया था 1990 के दशक में, जो अब तक चल रहा है। दिस वेव एम्फेसाइजेस डाइवर्सिटी विद इन फेमिनिज्म, एक्नॉलेजिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन ऑफ कलर, LGBTQ+ इंडिविजुअल्स एंड वेरियस आइडेंटिटीज। हमारा जो थर्ड वेव था वो एम्फेसाइज करता है डाइवर्सिटी को विद इन फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के भीतर जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उससे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म डील करता है। एक्नॉलेजिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन ऑफ कलर, जो ब्लैक वुमेन्स होती है उनके एक्सपीरियंस से भी ये फेमिनिज्म, जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, वो डील करता है। इसके साथ ही साथ LGBTQ इंडिविजुअल्स और उसके वेरियस आइडेंटिटीज को भी इसमें फोकस किया गया था। अब देखते हैं फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, अर्ली 21st सेंचुरी टू प्रेजेंट। हमारा जो फोर्थ वेव फेमिनिज्म आया था वो आया था अर्ली 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में, और अभी तक यह फेमिनिज्म चल रहा है। दिस वेव यूटिलाइजेस सोशल मीडिया एंड डिजिटल एक्टिविज्म टू एड्रेस इश्यूज लाइक ऑनलाइन हरासमेंट,
body positivity and reproductive rights, it continues the fight for broader gender equality in contemporary society. फोर्थ वेव फेमिनिज्म जो है इसमें सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले हुआ है और साथ ही साथ इसमें डिजिटल एक्टिविज्म देखने को मिलता है ताकि यह एड्रेस कर सके इश्यूज को जैसे कि ऑनलाइन हेरासमेंट, बॉडी पॉजिटिविटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स एट्सेट्रा. इट कंटिन्यूज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. और जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में वर्तमान समाज में जो फेमिनिज्म को लेकर हमारा जो फाइट चल रहा है उसमें फोर्थ वेव फेमिनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल है या कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसमें. ईच वेव बिल्ड्स अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रीवियस वन एंड सीक्स टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस एंड इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. ये जो चार वेव्स है फेमिनिज्म के, चारों ही वेव अपने पिछले वेव के प्रोग्रेस पर, उसके विकास पर आधारित हैं और यह सीख करते हैं टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस एंड इक्वालिटीज फेस्ड बाय वुमेन. वुमेन को जिन इनइक्वालिटीज को, जिन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों से फेमिनिज्म डील करती है. और इसके साथ ही साथ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हैं, मतलब कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, उन लोगों को भी जो चैलेंजेस, जो असमानताएँ फेस करने पड़ते हैं, उन सबसे फेमिनिज्म डील करती है. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म. देयर आर सेवरल टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक फोकस एंड अप्रोच टू एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी. फेमिनिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं. ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक फोकस एंड अप्रोच टू एड्रेसिंग जेंडर इक्वालिटी. और ये सारे ही फेमिनिज्म के अपने स्पेसिफिक, अपने विशेष अप्रोच है, दृष्टिकोण है जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के. सम ऑफ द नोटेबल टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म इंक्लूड, यहाँ पर फेमिनिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स के थोड़े थोड़े डेफिनेशन दिए हुए हैं. फर्स्ट है हमारा रेडिकल फेमिनिज्म. रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव दैट द रूट ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन लाइज इन पैट्रियार्की. रेडिकल फेमिनिस्ट जो है हमारे, रेडिकल मीन्स होता है कट्टरवादी. कट्टरवादी जो फेमिनिस्ट है, नारीवादी हैं, उनका बिलीव है कि जो रूट ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन जो है, मतलब कि महिलाओं का उत्पीड़न का जो जड़ है वो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मकता है. एंड दे सीक टू कम्प्लीटली डिसमेंटल इट. और उनका मानना है कि उन्हें पैट्रियार्की को ख़त्म कर देना चाहिए. दे ऑफन फोकस ऑन इशूज सच एज सेक्सुअल वायलेंस, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड द पैट्रियार्की इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ्स. और रेडिकल फेमिनिस्ट का जो मेन फोकस होता है वो इन सारे इशूज़ पर है, जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लिंग आधारित भेदभाव एंड द इम्पैक्ट एंड द पैट्रियार्कीज इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ. और पितृसत्तात्मकता का महिलाओं के जीवन पर जो असर होता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों से रेडिकल फेमिनिज्म डील करती है. सेकेंड नंबर टाइप ऑफ फेमिनिज्म है हमारा लिबरल फेमिनिज्म. लिबरल फेमिनिस्ट वर्क विद इन एग्जिस्टिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. हमारे जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो वर्क करते हैं एग्जिस्टिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर्स में, मतलब कि समाज में जो हमारा मौजूदा सामाजिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें लिबरल फेमिनिस्ट वर्क करते हैं टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ताकि वह जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सके. दे एम टू चेंज लॉज एंड पॉलिसीज टू एंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन. और उनका जो एम होता है वो लॉ और पॉलिसीज को चेंज करना होता है ताकि वो एंश्योर कर सके, यह सुनिश्चित कर सके कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिल सके. देयर फोकस इज ऑन लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. और उनका जो फोकस होता है वो कानूनी और राजनीतिक रिफॉर्म्स पर होता है. वो चाहते हैं कि कानूनी और राजनीतिक तौर पर वह कुछ रिफॉर्म कर सके, सुधार कर सके, ताकि महिलाओं की स्थिति में भी सुधार लाया जा सके. हमारा थर्ड टाइप ऑफ फेमिनिज्म है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म. मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी कहा जाता है. दिस पर्सपेक्टिव
combines feminist and socialist ideas, viewing capitalism as a source of women's oppression. ये जो पर्सपेक्टिव है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ये कंबाइन करती है, जोड़ती है फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज़ को, मतलब कि जो नारीवाद की विचारधारा है और जो सामाजिक आइडियाज़ है, सामाजिक विचारधारा है, इन दोनों को मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट में जोड़ती है और आती है कि कैपिटलिज्म एज अ सोर्स ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट मानते हैं कि जो महिलाओं के ऑपरेशन का जो मेन सोर्स है वो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है. पूंजीवाद के कारण ही महिलाओं को ऑप्रेस्ड होना पड़ता है, उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ता है. इट सीक्स इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी फॉर वुमेन थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. सोशलिस्ट फेमिनिस्ट चाहती है कि इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी लाया जाए वुमेन के लिए थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम्स में सुधार करके महिलाओं के लिए भी आर्थिक और सामाजिक इक्वालिटी लाया जाए. नेक्स्ट है हमारा ब्लैक फेमिनिज्म. ब्लैक फेमिनिस्ट इंक्लूडिंग वुमेनिस्ट फोकस ऑन द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय ब्लैक वुमेन एंड एडवोकेट फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड जेंडर इन एड्रेसिंग इक्वालिटी. ब्लैक फेमिनिस्ट इंक्लूडिंग वुमेनिस्ट, मतलब कि ब्लैक फेमिनिस्ट को जो सपोर्ट करते हैं वे लोग और महिलावादी, फोकस ऑन द यूनिक चैलेंजेस. ये लोग फोकस करते हैं उन यूनिक चैलेंजेस को जो ब्लैक वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं. यानी कि ब्लैक फेमिनिज्म जो है ये मुख्य तौर पर ब्लैक वुमेन्स के लिए है. एंड एडवोकेट फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड जेंडर इन एड्रेसिंग इनइक्वालिटी. और ये लोग ब्लैक वुमेन्स को जो रेस और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जो इनइक्वालिटी उन्हें फेस करनी पड़ती है ब्लैक वुमेन्स को, उनके हक में ब्लैक फेमिनिज्म को स्टार्ट किए थे. नेक्स्ट फेमिनिज्म टाइप है हमारा क्वीर फेमिनिज्म. क्वीर फेमिनिस्ट एम्फेसाइज LGBTQ प्लस इशूज, एक्सप्लोरिंग हाउ जेंडर एंड सेक्शुअल आइडेंटिटीज इंटरसेक्ट. क्वीर फेमिनिस्ट स्पेशली LGBTQ लोगों के लिए है. वो LGBTQ के लोगों के इशूज को एक्सप्लोर करते हैं और यह बताते हैं कि किस तरह से जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटीज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है. नेक्स्ट है हमारा इको फेमिनिज्म. इको फेमिनिस्ट सी अ कनेक्शन बिटवीन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सब्जुगेशन ऑफ वुमन. इको फेमिनिस्ट जो लोग हैं वो देखते हैं, हमारे जो इको फेमिनिस्ट हैं वो लोग एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट को जिस तरह से एक्सप्लोइट किया जा रहा है इसको, और सब्जुगेशन ऑफ वुमेन को, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके देखते हैं. और दे वर्क टू एड्रेस बोथ एनवायरमेंटल एंड जेंडर रिलेटेड इशूज, और वह इन दोनों चीज़ों पर काम करती है, एनवायरमेंटल इशूज एंड जेंडर रिलेटेड इशूज पर, और एम्फेसाइज करती है द नीड फॉर अ मोर हारमोनियस रिलेशनशिप विद नेचर. और ये एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमंस को, हाँ मतलब कि हम लोगों को नेचर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए, मतलब कि एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट फेमिनिज्म है ट्रांस फेमिनिज्म. ट्रांस फेमिनिस्ट फोकस ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड फेमिनिस्ट इशूज. दे एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर वुमेन इन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस दे फेस. ट्रांस फेमिनिस्ट फोकस ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड फेमिनिस्ट इशूज. अब जो हमारे ट्रांस फेमिनिस्ट जो हैं उनका मेन फोकस होता है इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड फेमिनिस्ट इशूज पर, मतलब कि हमारे जो ट्रांस फेमिनिस्ट हैं वो ट्रांसजेंडर के इश्यूज को और फेमिनिस्ट इश्यूज को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करके देखते हैं, इंटरकनेक्ट करके देखते हैं. दे एडवोकेट फॉर इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर वुमन इन फेमिनिस्ट मूवमेंट. और वो चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर वुमेन जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट में इंक्लूड हो जाएं एंड एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस दे फेस. और वे लोग साथ मिलकर उन चैलेंजेस को फेस करें जो इन दोनों को फेस करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म. ये सारे हमने जो अभी पढ़े, इको फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म,
ये सारे कुछ ही टाइप्स है फेमिनिज्म के। फेमिनिज्म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके बहुत ही सारे सब ब्रांचेस हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट देयर कैन बी ओवरलैप एंड इंटरसेक्शनलिटी अमंग दिस टाइप्स। और एक नोटेबल थिंग है कि ये सारे जो टाइप्स है फेमिनिज्म के, ये ओवरलैप भी कर सकते हैं एक दूसरे पर। फेमिनिज्म इज अ डाइवर्स एंड इवॉल्विंग मूवमेंट एंड एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस टू प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। फेमिनिज्म बहुत ही विविधता वाली चीज है और यह काफी इवॉल्व हो चुकी मूवमेंट है जो कि एनकम्पास करती है एक वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव से। इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत ही बड़ा है, वाइड है। एंड अप्रोचेस, इसका जो दृष्टिकोण है वो ऐसा है कि प्रमोट कर सके जेंडर इक्वालिटी को। अब है हमारा कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, फेमिनिज्म इज अ मल्टी फैसेटेड एंड डायनेमिक मूवमेंट। कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि जो फेमिनिज्म है वो मल्टीफेसेटेड और एक डायनेमिक मूवमेंट है, एक ऐसा मूवमेंट है जो बदलता रहता है, डायनेमिक होते रहता है। दैट एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी, जो वकालत करता है जेंडर इक्वालिटी की। एंड एड्रेसेस द हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डे इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय वुमेन। और यह एड्रेस करता है उन सारे इनइक्वालिटीज को जो महिलाओं को हिस्टोरिकल तौर पर भी और प्रेजेंट डे में भी फेस करने पड़ते हैं। इट हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू वेव्स। और जो फेमिनिज्म है हमारा वो कई सारे वेव्स में फला फूला है, ईच विद डिस्टिंक्ट गोल्स एंड फोकसेस। और जो हमने पढ़े अभी चार टाइप्स फेमिनिज्म के, चार वेव्स जो हमने पढ़े, उनके अलग अलग गोल्स और अलग अलग फोकस थे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के कई सारे टाइप्स हैं, ईच ऑफरिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव। और सभी का अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। एंड अप्रोच टू कॉम्बेटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्वल राइट्स। और इनका जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और इक्वल राइट्स को प्रमोट करना है। यहाँ पर हमारा फेमिनिज्म का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।